हेलो डियर स्टूडेंट्स क्लास फाइव लेसन नंबर थ्री द आंट एंड द एम पहले मैं आपका इसको प्रेजेंटेशन बताती हूँ इट्स एम एबल फॉरन में फ़ौरन का नाम है एक बच्ची का नाम है फीमेल नाम है तो ये कहानी है एक ऐसी आंटी की और एक ऐसी बच्ची की जो आपस में गुस्सा हो जाते हैं एक दूसरे से अच्छा एक बात बताओ आपकी डांट पड़ी है कोई गलत काम जो आपने बिना पूछे कराओ वो करने पर आपकी डांट पड़ी है ऑब्वियस है हर बच्चे की पढ़ती है तो ऐसा ही काम एक एमेबल से हो जाता है जिसकी वजह से आंटी उसकी डांट लगाती है और आंटी उससे अल्टीमेटली बोलना बंद कर देती है अच्छा कोई डांट ले मार ले तो मैटर सॉल्व हो जाता है लेकिन कोई बोलता नहीं है ना तो हमारे मन में खटका सा रहता है और उसी बात के लिए ध्यान जाता रहता है ऐसा ही कुछ होता है एमेबल के साथ जब आंटी उसे डांट देती हैं क्योंकि एमेबल ने कुछ ऐसा कार्य किया है जो आंटी को बिल्कुल पसंद नहीं है तो ये था टाइटल अब गेट सेट फटाफट वाली एक्टिविटी है ये एक इमेजिनरी स्टोरी है फ़ैन्टेसी स्टोरी है आ, इसमें आप ज़्यादा डीप पे मत जाइएगा नहीं तो कन्फ्यूज जाओगे कुछ समझ नहीं आएगा तो एमेबल एक बोर्ड्स यानी कि चढ़ती है एक फैंसी क्रिस्टल ट्रेन में क्रिस्टल होती है जो कि बिल्कुल कांच की सी बनी होती है और आपको पता है जब भी हम ट्रेन में चढ़ते हैं हमें टिकट बाय करना होता है तो टिकट के पास ऊपर कुछ इंफॉर्मेशन होती है ट्रिप के बारे में और ट्रैवलर के बारे में तो ये टिकट की डिटेल्स आपको इस इसमें बढ़िया कोई पुराना टिकट पड़ा हो या अब तो ऑनलाइन आते हैं टिकट तो उसकी डिटेल्स आप इसमें फ़िल कर देना आप शुरू करते हैं अपना चैप्टर ये ये स्टोरी ली गई है ये स्टोरी ली गई है एडिट नैब नस्बित की बुक में से मैजिक वर्ड द मैजिक वर्ड से एक्सट्रैक्ट है क्वेश्चन में आ सकता है फ्रॉम विच चैप From विच नॉवल या फ्राम विच स्टोरी दिस एक्स्ट्रैक्ट है मैजिक वर्ड और ये एक यंग बच्ची के बारे में है जिसका नाम था मेम्बल जो अपनी आंटी के यहाँ कुछ दिनों के लिए रहने आई हुई है ठीक है कुछ दिनों के यहाँ वो अपनी आंटी के यहाँ रहने आई हुई है और वो अपनी आंटी को खुश करने में इंप्रेस करने में लगी रहती है और एक बार आंटी को इंप्रेस करने के लिए वो आंटी के गार्डन में से ही उनके ग्रीन हाउस में से जैसे आप ग्रीन करटे लगा लेते हो ऊपर आपके प्लांट्स उसके अंदर ग्रो होते हैं जैसे कि नर्सरी में होते हैं ना ग्रीन ग्रीन सा शेड लगा लेते हैं तो तो उस आंटी के ग्रीन हाउस में से वो कुछ फूल तोड़ लेती है और एंड प्लांट दम इन द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ आंट्स विंडो और वो आंटी के विंडो के सामने जो गार्डन था वहाँ पे जाके उन्हें प्लग करके लगा देती है तो और आंटी देखो कोई भी हो चाहे आंटी हो या मैं हूँ या कोई भी हो जिसे पौधों से प्यार होता है और उसके पौधे आप तोड़ दो तो उसको बहुत इरीटेशन होती है उसको बहुत बुरा लगता है और उसको बहुत ही गुस्सा आता है तो आंटी बहुत गुस्सा हो गई कि मेरे पौधे कैसे तोड़ दिए भाई एंड गेट सबसे परेशान हो जाती है वॉट हैपन्स वन डे वेन एम इज़ इन आंट्स बेडरूम रीड ऑन और उसके बाद एक समय की बात है आंट के रूम में एम खड़ी हुई थी और कुछ ढूंढ रही थी क्या होता है शुरू करेंगे अपने चैप्टर में यहाँ तक समझ में आई स्टोरी इंट्रोडक्शन पार्ट चलो आओ स्टार्ट करते हैं एम एबल अराउंड द रूम फॉर समथिंग टू रीड वो आंटी के कमरे में देखती है इधर उधर कुछ पढ़ने के लिए अच्छा हम अपनी मम्मी के कमरे में जाते हैं तो देखते हैं मोबाइल कहाँ है और मम्मी कहाँ है मम्मी नहीं है मोबाइल उठाओ भागो लेकिन एम के टाइम में किताबों का बहुत फैशन था अब भी है अगर आप चाहो तो अब भी पढ़ सकते हो ऐसा कुछ नहीं किताबें नहीं पढ़ते लेकिन अब बच्चे मोबाइल ढूंढते हैं लेकिन एम को एक किताब मिलती है लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला ओनली अलाज एक ड्रेसिंग टेबल है ड्रेसिंग टेबल पर एक किताब रखी हुई है रेड वेलवेट में बड़ी सी किताब है और एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है और लिखा हुआ है ए बी सी उस किताब पे ये सब लिखा हुआ है तो वो वो सोचती है पर हैव सेट सब पिक्चर बुक हो सकता है वो पिक्चर बुक हो जिसमें ए फॉर एप्पल बना हो बी फॉर बॉय बना हो सी फॉर कैट बनी हो एम एवल अपने आप से बोलती है फिर उसे लगता है मैं तो बहुत बड़ी हूँ पिक्चर बुक के लिए पर फिर भी वो किताब खोल लेती है जिन्हें किताब की क्यूरसिटी होती है ना तो उन्हें किताब खोल के देखने का ज़रूर मन करता है बुक खोल के वेयर इट्स ओनली अ टाइम टेबल उसमें वो क्या देखती है पहले पेज पर एक आप देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए यहाँ पर सीरियल नंबर यहाँ पे कुछ टाइम और यहाँ पे कुछ प्लेसेस लिखे होते हैं यहाँ पे तो सीरियल नंबर आ गया यहाँ पे टाइमिंग लिखा होता है और यहाँ पे कुछ प्लेसेस लिखा होता है कुछ ट्रेन्स का स्केड्यूल लिखा होगा वन नंबर पे इस टाइम पे ये वाली ट्रेन जाएगी सेकंड नंबर पे इस टाइम पे ये वाली ट्रेन जाएगी थर्ड नंबर पर इस टाइम पर ये वाली ट्रेन जाएगी इस तरीके से कुछ स्केड्यूल लगा हुआ था तो उसने कहा ये तो कोई वाह इट्स ओनली अ टाइम टेबल अरे ये क्या क्यों यहाँ पर तो सिर्फ टाइम टेबल है शी हैड लर्न उसको पता है डिक्शनरी कैसे यूज़ करते हैं तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में वो डिक्शनरी देखने लगती है और वो उसको कुछ नाम देखने को मिलते हैं जिनमें से वो कुछ नाम जानती है ब्रिक्टन को जानती है वो जहाँ पे वो एक बार अपने एक महीने के लिए जा चुकी है वो रग्बी को जानती है जहाँ पे उसका भाई पढ़ रहा है ये सब जगह के नाम हैं वो होम ढूंढती है और उसका होम एम्बले में था तो शी सॉ दैट द टाइम्स वेन द ट्रेन लेफ्ट फॉर दीज प्लेस वो देखती है किस समय यहाँ पर ट्रेन जाती हैं और शी वो शी वॉन्ट टू तो गो टू द दो प्लेज बाय द ट्रेन वो चाहती है मैं इन प्लेस पर चली जाऊँ इन ट्रेन के फिर वो विटवाई ढूंढने लगती है विटवाई भी एक जगह का नाम है और उसको विट ढूंढते ढूंढते डब्लू पर जब वो आ जाती है ए B सी करके डब्लू तो लास्ट में होता है ना तो विट पाए पर जब आ जाती है तो उसे एक अजीब सा नेम ने मिलता है और उस नेम का नाम होता है वेयर यू वॉन्ट टू गो तुम जहाँ जाना चाहते हो ये भी एक उसको एक प्लेस का नाम दिखता है थोड़ा अजीब लगता है बट द नेम ऑफ द स्टेशन फ्रॉम विच द ट्रेन स्टार्टेड वॉ स्टिल मोर एक्सट्रॉर्डनरी ये तो अजीब था ही जगह का नाम लेकिन जिस स्टेशन से वो ट्रेन निकलेगी वो नाम तो और भी बहुत अजीब था और उसका नाम पता है उस स्टेशन का नाम क्या था बिग वॉल ड्रॉप इन स्पेयर रूम खाली पड़े हुए रूम में जो बड़ी सी कबड़ है कपड़ों वाली अलमारी है उससे आपको ट्रेन मिलेगी अरे ये दिक्कत तो वो बहुत अच्छा अचंभी अच्छा हो जाती है अच्छा चौक जाती है और उसी के नीचे धीरे से छोटे से लैंग्वेज में लिखा होता है ट्रेन लिव फ्रॉम बिग बिग वॉल ड्रॉप इन स्पेयर रूम ऑल द टाइम उसमें लिखा होता है कि इसका कोई टाइम नहीं है बिग वॉल ड्रॉप से हर समय ट्रेन चलती रहती है और निकलती रहती है तो वो सोचती है वो अपने बिग बॉल ड्रॉप वाले रूम में जाती है एंड अंडर दैट इन स्मॉल लेटर्स यू हैड बैटर गो नाउ और उसके नीचे लिखा हुआ था तुम्हें अब निकल जाना चाहिए तो एमेवल जल्दी से उस स्पेयर रूम में जाती है और बिग बॉड्रॉप का ग्लास हैंडल खोलती है और जब वो उसके अंदर देखती है बच्चों आप बहुत चौकने रह जाओ कि उसके अंदर सब कुछ क्रिस्टल है क्रिस्टल मारे जैसे ग्लास का सा होता है ना ट्रांसपेरेंट सा कांच का सा है और बड़े अजीब से किस्म का एक रेलवे स्टेशन सीन है ये उसकी कबड़ के अंदर वो देखती है अब आप ज़्यादा मत सोचना नहीं तो परेशान हो जाओगे क्योंकि ये जस्ट इमेजिनरी है इमेजिनेशन है ठीक है एक बच्ची जो परेशान है और वहाँ पे किताब मिलती है किताब में पढ़ती है कि उसमें लगा हुआ है लग, अलग अलग जगह का नाम तो उसमें एक जगह उसे मिल जाती है वेर यू वॉन्ट टू गो और उसके नीचे उसका एड्रेस लिखा है कि वो बिग बॉड्रॉप से जा सकती है तो वो बिग बॉड्रॉप की कबड खोलती है तो उसके अंदर उसको क्रिस्टल सीन देखने को मिलता है और इट इट सीम सो लाइटेड बाय स्टार्स उसमें पूरे तरफ तारे चमक रहे हैं एंड ओवर द स्टेशन क्लॉक वॉज फुल मून और वो देखती है स्टेशन के ऊपर जो 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 घड़ी लगी है वो पूरी मून की तरह है और उसमें कोई नंबर्स नहीं है जैसे घड़ी होती है ना घड़ी में होता है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ट्वेल्व उसमें ऐसा कुछ नहीं है बट उसमें हर जगह लिखा हुआ है ना दो एक बजे भी नाव तीन बजे भी ना आओ चार बजे भी ना हो नाओ नाव नाओ, नाओ हर समय नाओ लिखा हुआ है ना नाओ 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 तो यानी कि जब भी आपको जाना हो वो समय अभी ही है जीप सी है ना पर इमेजनरी है और इतने में ही एक वहाँ पे कुली आता है सफ़ेद रंग के कपड़ों में याद रखना है इस इस वॉर्ड्रॉप के अंदर जो भी कुछ होगा सब कुछ क्रिस्टल है वाइट कलर का है चमकीला सा ठीक है वो एम की तरफ भागता है अमेबल का लगेज लगेज होता है सामान उठाने के लिए लेकिन सामान के नाम पर उसके पास सिर्फ एक ही किताब है जो है ए बुक और जो उसने अभी भी अपने हाथ में पकड़ी हुई है फिर जो वो होता है ये पोर्टर यानी कि जो कुली होता है वो बोलता है लॉट्स ऑफ टाइम इस बहुत सारा समय है मैडम और ग्रीनिंग हंसते हुए इन द मोस्ट फ्रेंडली वे दोस्ती की तरह से मतलब अच्छे तरीके से मुस्कुराते हुए उसको बोलता है अभी बहुत टाइम है आई एम ग्लैड यू आर गोइंग यू विल इंजॉय मुझे बहुत खुशी है कि आप जा रही हो मैडम इस ट्रेन में बैठकर आप बहुत मज़े करोगी आप कितनी प्यारी लड़की हो तो उसको ज़रा अप्रिशिएट से कर देता है एमेबल का मूड खुश हो जाता है उसे अच्छा लगता है क्योंकि अभी तो डांट खाई थी मूड ख़राब था दिस वॉज चीयरिंग इससे वो खुश हो जाती है और एमेबल स्माइल करती है और द ट्रेन वॉज मेड एंटायरली ऑफ क्रिस्टल टू और ट्रेन जो है वो पूरी क्रिस्टल की यानी कि कांच की बनी हुई है चमकीली सी ट्रेन है सी और कुशंस जो थे वो वाइट कलर के हैं बड़ी लग्जूरियस तरीके से वो बैठ कर जाती है और उसके सामने कुछ बटन्स बने होते हैं सच एज़ यू हैव फॉर इलेक्ट्रिक बल्ब जैसे बेल बजाने के बटन होते हैं ना प्रिंसिपल ऑफिस में कहीं अपियो ना जाता है ऐसे ही कुछ इलेक्ट्रिक बेल्स वाले बटन्स हैं बटन्स पर कुछ लिखा हुआ है वॉट डू यू वॉन्ट टू ईट लिखा है वॉट डू यू वॉन्ट टू ड्रिंक वॉट डू यू वॉन्ट टू रीड कुछ भी बटन दबा दो वही चीज़ आ जाएगी तो अमेबल उसको देखिए इम्प्रेस हो जाती है सिल्वर कलर से लिखा हुआ है एमेबल एक्साइटमेंट में सारे बटन एक साथ दबा देती है और उसके एकदम से वो क्या देखती है इंस्टेंटली मैंने अचानक से तुरंत आ, सी शॉ क्वेश्चन बाय हर साइड सिल्वर ट्रे विद वनीला क्वेश्चन के बराबर में वो देखती है एक सिल्वर ट्रे बड़ी सी ट्रे है उसमें भाई सब आ गई है वनीला आइसक्रीम बॉयल्ड चिकन वाइट सॉस आलमंड्स पेपरमेंट क्रीम मार्शमेलो और एक गिलास साहब शिकंजी तो काफ़ी सामान उसके पास आ गया है बैल बजाते और ट्रे के बराबर में रखी थी एक किताब और अम्बल जी उनको खाने में लग जाती है और जब वो आखिरी स्पून आइसक्रीम आइस का खा ही रही होती हैं शी रीड द ट्रेन शी रीज द ट्रेन रीज द लास्ट फुल स्टॉप ऑफ द बुक अच्छा किताब पढ़ते पढ़ते जब वो खा रही थी तो लास्ट किताब के लास्ट पे आ जाती है और लास्ट चम्मच उसकी चल रही है और ट्रेन भी खत्म हो जाती है और उस एकदम से देखती है बड़ी सारी भीड़ आ रही है वाइट कलर के कपड़े पहने हुए वे, वाइट वेलवेल के कपड़े पहने हुए ऑफिसर्स की आ रही है कुछ वेयर यू वॉन्ट टू गो गेट ऑफ हेयर तुम कहाँ जाना चाहती हो यहाँ से उतरो और इतने में ही वो स्माइलिंग वाला कुली जो है उसका दरवाज़ा खोल देता ना हुई सेट का मोन आउट मिस एमेबल वो कहता है हाँ अब अब मैडम एमेबल आप उतरिए अनलेस यू वॉन्ट टू गो टू अगर आपको यहीं उतरना है तो आप यहीं उतर जाओ नहीं अगर तुम्हें वहाँ जाना है ये देखो ट्रेन वेयर यू डोंट वॉन्ट टू गो ये आपको वहाँ जाना है जहाँ आपको नहीं जाना है ये भी दूसरे स्टेशन का नाम है इतने में ही वो समझ के जल्दी से प्लेटफॉर्म पे उधर जाती है और देखती है बहुत सारा क्राउड आ रहा है वट्स ऑल दैट शी आज द फ्रेंडली पोर्टर पोर्टर्स पूछती है ये सब क्या है ये कि भीड़ कैसी है तो बोलता है आज मेयर आए हुए हैं मेयर होता है सिटी का हेड जो होता है डियर एम एबल तो मेयर बोर्ड और मेयर जब उसे देखता है लड़की को एमेबल को तो वो उसके सामने सर झुकाता है और कहता है वेलकम डियर एमेबल बड़ा अच्छा सा है उसको तो वेलकम मिलता है बोलता तो उनको वेलकम करता है मेयर वी वांट यू टू प्लीज़ वी नो यू वो उसको सारी स्टोरी पता होती है बोलता है हमें पता है आप अपनी आंटी को थैंकफुल कहना चाहती थी उनको खुश करना चाहती थी इसमें आपकी कोई गलती नहीं है यू डिन नो यू शुड आस्क परमिशन बिफोर यू टच अदर पीपल थिंग आपको नहीं पता था ना कि दूसरों की चीज़ छूने से पहले उनसे परमिशन लेनी चाहिए तो यहाँ स्टोरी कोरिलेट हो जाती है पहली तो जिस माइंड डिप्रेशन से वो निकल के आई है ट्रेन में यहाँ पर यहाँ पर यहाँ सब लोगों को पता है कि एम क्यों आई है और एम एम्बल के दिमाग में क्या चल रहा है तो मेयर एम एबल को कहता है कि तुम्हारी गलती नहीं है तुम्हें पता नहीं था कि किसी की चीज़ सुनने से पहले उससे परमिशन लेनी चाहिए ओ बट एम एम्बल मैं बल अपनी तरफ से अपना एक्सप्लेनेशन नहीं लगती है क्वाइट कंफ्यूज मैं मैं कहना चाहती थी मैं मैं आंटी को बताना चाहती थी ऐसे वो बोलती है लेकिन इतने में ही एक बैंड आ जाता है जो बहुत ज़ोर ज़ोर से म्यूज़िक बजाने लगता है और उसके वर्ड्स जो हैं बैंड के वर्ड्स के अंदर दब जाते हैं क्योंकि बैंड की आवाज़ बहुत लाउड थी और जो आ, आप आपको पता है वहाँ पे सब कुछ क्रिस्टर क्लियर था तो बैंड जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स थे वो भी सारे सिल्वर कलर के थे एंड द मैनज मैन क्लोथ्स जो बैंड मैन ने क्लोथ पहने हुए थे वो भी सारे वाइट कलर के थे और इतने में फ्लावर शो और एक कंसर्ट कन्सर्ट भी शुरू हो जाता है गाने वाला बहुत ग्रैंड डिनर होता है विथ थाउजेंड्स ऑफ गेस्ट इन एम ऑनर एम का ऑनर करे हुए करने के लिए बहुत सारे लोग भीड़ जो आई हुई थी वो एम को रिस्पेक्ट दे रही थी ऑनर कर रही थी और इतने में ही बहुत ज़ोर जोर से आवाज़ आने लगती है स्पीच स्पीच सारी लेडीज़ सारे वो जेंट्स बोलते हैं स्पीच स्पीच में एम आप स्पीच दो तो एम बहुत तो प्राउड फील करती है और वो कह लेती है लेडीज आई एम चेंटलमैन आई डोंट वांट टू मेक अ स्पीच मैं को कोई स्पीच नहीं देती है बस मुझे यही कहना है थैंक यू एंड टू से दिस एंड टू से दिस एंड टू से दिस इतना कहते हैं शी स्टॉप एंड हैप्पी क्राउड चीयर और इतना कहकर वो चुप हो जाती है और जो क्राउड था वहाँ का वो चीयर करने लगता है टू से शी वेंट ऑन एज द चीयर्स डाइड डाउन एंड एंड दैट आई शुड हैव थाट बट आई डिड वॉन्ट टू हाँ इतने में ही फिर वो अपनी बात में आ जाती है और चीयर्स की आवाज़ थोड़ी कम आ जाती है मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ दैट आई शुड हैव थाट मुझे सोचना चाहिए था ये करने से पहले क्या करने से पहले ध्यान वहीं चला गया मुझे पौधे तोड़ने से पहले सोचना चाहिए था बट आई डेंट वॉन्ट टू प्लीज़ लेकिन मैं आंटी को प्लीज़ करना चाहती थी आंटी को खुश करना चाहती थी और वो सब गड़बड़ हो गया ओ आई विश आंटी वॉज हेयर काश आंटी हाँ होती वो देख लेती मेरा कितना ऑनर हो रहा है मैं सच्चाई बता रही हूँ मैं नहीं उनको दुखी करना चाहती थी और इंस्टेंटली अचानक से आंटी आ जाती हैं अरे वाह स्टोरी बड़ी बढ़िया चल रही है वेरी टॉल बड़ी लंबी सी हैं क्वाइट लुकिंग इन अ वेरी ड्रेस बड़े प्यारा सा गाउन वाउन पहन के आंटी वाइट कलर के कपड़ों में वहाँ दिखती हैं स्पीच क्राइट द क्राउड स्पीच फ्रॉम आंटी जो भीड़ होती है बोलती है आंटी आप स्पीच दो आंटी आप स्पीच दो आपकी स्पीच 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 आंटी स्टूड बिट डिसाइड आंटी एम के बराबर में खड़ी हो जाती है और बोलती हैं आई थिंक पर हैप्स आई वॉज हेस्टी शायद मैंने जल्दबाजी में से डाल दी हस्ती होता है मतलब जल्दी से कोई डिसीजन लेना मैंने उसकी फीलिंग्स नहीं समझी मैंने हड़बड़ी में इसे डांट दिया आई थिंक एम एम एल वॉन्ट टू प्लीज अब स्पीच में आंटी कह देती है मुझे लग रहा था कि एम एम एल बाद में मुझे लगा कि एम एम एल मुझे खुश करने के लिए कर रही है बट लेकिन ना वो जो मेरे फ्लावर थे ना वो विंटर के फ्लावर थे और इसने तोड़ दिए इसलिए मैं गुस्सा हो गई आई एम सॉरी मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था लेकिन मेरी भी आप समझने की कोशिश करो ओ आंटी आई एम आई एम सो सॉरी सॉरी आंटी एम रोने लगती है रोते रोते चिल्लाती हुई कहती है एंड द टू इसी खुशी में दोनों एक दूसरे को हक हाँ कर लेते हैं इन अ वाइट इन आइवरी स्टेप वाइल द क्राउड चीयर और एक आइवरी आए, सीढ़ी थी मतलब एवरी होता वाइट कलर की सीढ़ी थी उस पर वो लोग खड़े हुए थे और इतने में ही वो दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं और क्राउड जो है वो चीयर करने लगता है एंड वेन इट ग्री यू लेट और जब देर हो जाती है स्टार्स वर आउट एम एबल फेल अ स्लीप इन हर आंडस आर्म्स बिसाइड अ फाउंटेन ऑन अ मार्बल टेरेस वाइल वाइट पिकॉक्स केम टू ड्रिंक और बहुत देर हो जाती है तारे भी दिखने मंद हो जाते हैं और एम अपनी अपनी आंटी की हाथों में सो जाती है और एक फाउंटेन होता है वहाँ पर मार्बल टेरेस पर फाउंटेन होता है झरना जिसमें से पानी निकलता है वहाँ वाइट पिकॉक्स पानी पीने आते हैं हम भाई साहब क्या इमेजिनेशन है शी वो उसकी आँख खुलती है तो वो देखती है अपने आप को कि वो आंटी की बाहों में सो रही है एम बल शी वॉज क्राइम एम और आंटी सोते सोते कह रही है एम बल मेरी बच्ची एम ए बल ओ आंटी सैड एम ए बल स्लीपली और सोते सोते एम ए बल भी आंटी आंटी करती है मुझे माफ़ कर दो आंटी मैं आपको खुश करने के लिए ये सब कर रही थी यानी कि आपको क्या लगा जी हाँ एम एबल सोते सोते ये सब कर रही है और सारा सीन जो भी क्रिएट हुआ वो भी सब सपने में हुआ है अब अपने आप को बैठ पे पा रही है ना वो आई एम श्योर यू मीन टू प्लीज़ मी हाँ मुझे पता है बेटा तो मुझे खुश करना चाहती थी लेकिन कम डाउन टू सपर और वो सब कुछ बड़बड़ा रही है और नीचे से आवाज लगती है बेटा नीचे उतर के आओ ऊपर वाले रूम से और बेटा सफर का टाइम हो गया है इवनिंग मील का टाइम हो गया है सैड आंट एंड स्माइल आंटी ने कहा और आंटी मुस्कुराई एम एबल लुकड अराउंड फॉर द मैजिकल बुक बट एम एबल जैसी आँख खोलती है वो सारी तरफ मैजिकल बुक ढूंढती है लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं मिलती है उसे तो सिर्फ लाइक का बटन मिलता है वीडियो वीडियो उसको बहुत अच्छी लगी श्वेता सक्साना मैम की और वो आपको बोल रही है जल्दी से लाइक कर दो क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड करने वाली हूँ बुक एक्सरसाइजेस और क्वेश्चन आंसर्स बाय